बहुत बढ़िया फिल्म, अजय देवगन सर का किरदार देखकर एक नंबर, पब्लिक को देख। अजय देवगन सर का काम कैसे लगा? ब्यूटीफुल, गुड वर्क, सबको देखने चाहिए पिक्चर। हाँ जरूर, इमोशनल लग रहा है आपके, बहुत इमोशनल फिल्म में, क्या लग रहा है? ठीक है, बेटर देन दैट, थैंक यू। एम हाउस द फिल्म, क्या कहेंगे सर? अजय सर तो मेन कैरेक्टर है। अरे सर, पिक्चर कैसे लगी? पिक्चर कैसे लगी सर? पिक्चर अच्छी है। अजय देवगन का काम कैसे लगा सर? सब उसका, उनका तो हर फिल्म में बेहतरीन काम है, आंखों में आंसू आ गए। हाँ अच्छी पिक्चर, थैंक यू, थैंक यू सर। मैम पिक्चर कैसी लगी आपको? थैंक यू, थैंक यू मैम। क्या पीछे कैसी लगी काका? काका पीछे कैसी लगी? पीछे कैसी लगा आपको? इमोशनल पिक्चर था। और अजय देवगन काम कैसे लगा? अजय देवगन का काम बहुत अच्छा लगा, सबको देखनी चाहिए, सबको देखना चाहिए। थैंक यू सर। हाउ इज द फिल्म? डिड यू एंजॉय इट? फिल्म सर, डिड यू एंजॉय इट? बोल उसको, बोल दिया भाई, हैव यू वॉच्ड इट? अच्छी, गुड गुड, यस यस यस, थैंक यू। कैसी लगी सर फिल्म? भजन पीछे कैसी लगी? बढ़िया, इमोशनल एकदम। हाँ, अजय देवगन से काम कैसे लगा? वन ऑफ द बेस्ट, सबको देखनी चाहिए क्या पिक्चर है? हाँ भाई, बहुत अच्छी। इस ईद पर क्या पब्लिक में फिल्म देखनी चाहिए क्या? पब्लिक को आना चाहिए, देखना चाहिए। अपने 64 साल हो गए हम लोग फुटबॉल में, ओलंपिक में नहीं जा पाए, उसका सोच को पब्लिक को आ जाना चाहिए टुमारो। रेटिंग क्या है? 5 में से कितना देना चाहेंगे रेटिंग? 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे? एक बेहतरीन, नहीं नहीं बोल रहे, बोल रहे, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पिक्चर है। मैं पहले समझा था कि क्या बोलते हैं चक दे का कॉपी रहेगा, मगर कोई नया ही टाइप का। सबका अच्छा, सबका काम अच्छा लगा, और अजय देवगन का, गिरिराज का, सबका अच्छा लगा। अजय देवगन सर को क्या नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जी भाई, एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, और फुटबॉल पे ऐसी मूवी बहुत कम बनी है, अब मेरे अंदाज़ से बनी भी नहीं है। जी जी, और अजय देवगन की एक्टिंग के बारे में बात की जाए तो इतना इमोशनल, इतना सीरियस रोल अजय देवगन के सिवाय और कोई कर भी नहीं सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल, इमोशनल है पिक्चर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहीं कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम अपसेट हो गए, चुपचाप खाली बैठ के मूवी पे फोकस होता है इंसान। अच्छा, ऐसा लगता है जो फुटबॉल प्रेमी नहीं उनको भी फुटबॉल से प्यार हो जाएगा? जाहिर सी बात है, ये मूवी अगर चली और पब्लिक देखी तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, पब्लिक फुटबॉल से और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड करेगी, क्योंकि फुटबॉल के उसमें पिक्चरें बनती नहीं हैं। जी जी, तो अब ये बनी है तो पब्लिक ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। अच्छा, जो पब्लिक है वो देखना चाहती है फिल्म, तो उनको क्या मैसेज देगा आपका? मैसेज ये है कि एक बार आप लोग मूवी ज़रूर देखिए, क्योंकि बार बार मूवी ऐसी बनती नहीं है। अब बहुत अच्छी मूवी, आप लोग आइए एक बार ज़रूर देखिए। बिल्कुल, आखिर में एक रेटिंग क्या रहेगी 5 में से पब्लिक? सर 5 out of 5। अच्छा, तो दर्शकों को क्या मैसेज रहेगा फिल्म को लेकर? दर्शकों को मैसेज यही दिया हूँ कि आइए मूवी देखिए, और इससे बेटर मूवी इस साल की शायद कोई ना हो। और गजराज राव का काम कैसे लगा, जो विलन टाइप थोड़ा सा है? हाँ, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, प्रिया मणि हाउस वाइफ थी, और थोड़ा विलन टाइप गजराज राव बने, लेकिन कोई बस उनकी एक्टिंग वहीं तक रह गई, मेन जो सब लाइमलाइट अजय देवगन लेके गए। माय नेम इज सनम राठौड़, आई एम अ नेशनल फुटबॉल प्लेयर एंड एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। सो या, हाउज द होल फिल्म? वर वेटिंग फॉर द फिल्म फॉर द लॉन्ग टाइम? या, आई वाज वेटिंग सिंस लास्ट ईयर, इट वाज सपोज टू बी रिलीज, बट व्हाट ड्यू टू एनी व्हाटएवर रीजंस इट वाज नॉट कमिंग अप। मूवी इज ओवरऑल वेरी गुड, एंड एक्चुअली दे हैव शोन हाउ due to the political leaders or whatever the inside happening, how the football is not coming, how football is not given the exposure, how money is being taken from the footballers, and only the cricket is only in the India. Many people don't even know there is an India football team, and women's and men's as well. What was the scene? Excitement, thrilling, the people were enjoying in the theater, they were screaming. Did you enjoy the same thing? Yes, I did enjoy the game, and it was very nice how the coaches shown the gameplay and everything. It was very nice.
how's the technical thing with your footballer? How's the technicality? Is like proper show kiya gaya footballer ko ya team ko India ko? I would say kind of yes. Yes, so but obviously a lot of things are needs to be more upgraded and all. So yeah. So can we expect a medal from your side? An Asian game or any upcoming sports? In football now? Yeah, upcoming? Yeah, definitely. From a female, you are like, you're a football player. Yeah. So at least we are expecting something from your side. We are still working towards it, and I'm sure I'm sure they'll get it towards it. One more thing, tell us about Ajay Devgan's character. Do you like his whole emotional side and all? Yeah, yeah, very good character. And the way few coaches actually are very silent and all. Only inside the game changing room, they show the real play. And outside, it's like very silent, less spoken people. It's a worth for money film? Yeah, yeah, very good film. I'll weigh five stars. Audience should come and watch this? What is yeah, yeah, sure. Actually, the people audience, actually Indian should know. Group. People who don't know about more football and all, they should watch actually. बहुत अच्छा पहले वार्ड में बोलो ब्लॉकबस्टर उसका मतलब अभी तक उतना हाइप नहीं था लेकिन माउथ वर्ड की वजह से उसका हाइप बढ़ जाएगी. पिक्चर लेंथी है लेकिन बहुत अच्छा पिक्चर है. अजय देवगन सर मेरा फेवरेट है बचपन से फुलर कांटे से बहुत रोया इतना. पहले फर्स्ट में 3 डेट से रोया था जी. उसके बाद इतना कम से कम 10-15 साल के बाद आज रोया मैं पिक्चर मूवी देख के. तीन घंटा मूवी था, लेंथ था, लेकिन कहीं भी बोरिंग नहीं है जी. मैं इससे पहले ऐसा है सुबह कोई पब्लिक का ये देख रहा था बहुत लेंथी से मतलब नहीं. मूवी कैसा है उसका कॉन्टेंट कैसा है ये होता है ये. और ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस है, कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, इसलिए सब लोग देखना चाहिए. और सबका काम अच्छा है. सब प्रियामणि हो गया, गजराज हो, अजय सर जी, सबका काम अच्छा है. और जो न्यू फेसेस है वो सब लोग अच्छा काम किया. अमित शर्मा का डायरेक्शन कितना कमाल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. बधाई हो, शायद उसका ही था, उनका ही था. हाँ हाँ, उनका क्वांटिटी क्वालिटी दोनों है उनके पास. हाँ, कंटेंट भी है. मुझे ये बताइए पब्लिक को फिल्म देखनी चाहिए? देखनी चाहिए. मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग देखे, आके देखे. ऐसा मूवी को सपोर्ट करना चाहिए. आपका पैसा वसूल हुआ? मेरा पैसा भी वसूला, मेरा आँखों भी सूख गई, आँखों से आंसू निकल के मेरे आँख भी सूख गए. दो चीज़ों पूछना चाहूँगा, एक तो सर म्यूजिक के बारे में. म्यूजिक ए आर रहमान सर, तो ए आर रहमान से तो वर्ल्ड लेवल के कई म्यूजिशियन है. उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है. मतलब स्टोरी को और जो स्क्रीन प्ले सीन को बहुत इमोशनल कर देता है उनका ये म्यूजिक. बहुत अच्छा है उनका म्यूजिक. क्या लगता है कंपटीशन में ये फिल्म भारी पड़ेगी दूसरी फिल्म पर? देखो बड़े में या छोटे में या डिफरेंट टाइप का है, ये डिफरेंट जनर का है, उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए. पब्लिक लेकिन देखेगी ये देखेगी. मैं तो सोचता हूँ 10 मतलब एक हफ्ते के बाद फिर से आओ. मेरे को इतना अच्छा लगा. रेटिंग क्या है 5 पे इस फिल्म को? 5 से मैं एक बढ़ा के देखा, 6 करेगा क्योंकि मेरे पर्सनली बहुत लगा. मतलब आँखों से अभी भी मतलब ये हो रहा है, इतना रोया. और मेरा हाथ ऑटोमेटिक क्लैपिंग करिए उठ रहा था. और मेरे आजू बाजू में जल्द वो लोग ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में बैठे हुए हैं. ऐसा स्टेडियम नो थिएटर, नो स्टेडियम. सबको बोलो कि सब लोग आके देखे, ऐसे मूवी को सपोर्ट करें क्यों रियल स्टोरी के ऊपर बेस है. ओके ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी बिकॉज आई लाइक स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स की मूवीज़ तो मुझे पसंद आती है. और लकीली बॉलीवुड अपना स्पोर्ट्स की मूवी अच्छी बनाता है. रियल फर्स्ट टाइम फुटबॉल के ऊपर इंडिया में एक फिल्म आई है, क्या कितना कनेक्ट आप किए इससे? या देखो एज अ कनेक्ट बोलूँ तो अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है तो उसको ये मूवी तो बहुत अच्छी लगने वाली है. साथ में एक न्यू इंस्पिरेशन मिलेगा. लाइक वी डू रियली वेल इन क्रिकेट, कबड्डी और व्हाट एल्स रेसलिंग, तो हमने इन सब में अच्छे अच्छे लाइक खिताब भी हासिल किए हैं, बहुत कुछ हमने हासिल किया है. बट फुटबॉल में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए अभी तक. लाइक जिस ये इसमें स्टोरी 64 ईयर्स ओल्ड की है, तो उसमें आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है. लाइक कि आपको फुटबॉल में भी अपने इंडियन यूथ को एक न्यू इंस्पिरेशन मिलेगी कि फुटबॉल में भी कुछ करना चाहिए. नॉट रियली, बट अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी क्रेज हो तो आपको एक पुश मिलेगा कि लाइक कि आपको करना चाहिए फुटबॉल में भी, हमें अच्छा करना चाहिए एज ए इंडियन टीम. मुझे बताइए अजय देवगन का एज ए रोल कितना कमाल का लगा? अजय देवगन सर, अजय देवगन का तो देखो वो खुद में इतने सीनियर एक्टर है कि वो अच्छा ही करेंगे. एवरी उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लो, पुरानी और अभी की, तो वो अच्छा ही अपना तो वो 100% देते हैं. तो मुझे उनका पर्सनली अच्छा लगा. एज अ रहीम का जो करेक्टर है उन्होंने वेरी वेल प्लेड किया है.
वन मोर थिंग, प्रिया मणि और गजराज राव जो दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, गजराज और जो विलन टाइप है, तो उनका कैरेक्टर कैसा लगा प्रिया मणि मैडम का जो हीरोइन है? या ओके, सो हीरोइन तो एज अ वाइफ उन्होंने करेक्टर ठीक ही निभाया है, जैसा उनका वाइफ का होना चाहिए, एज अ हाउस वाइफ ही वो दिखाए हैं और उनको थोड़ा इंग्लिश में उनको सीखने में इंटरेस्ट रहता है, तो एज अ वाइफ उनका करेक्टर ठीक था, अच्छा था। और विलन की बात करें तो विलन ने भी अपनी जगह ठीक सही काम किया। मेन हाईलाइटेड टीम थी और अजय देवगन सर थे, जो कि रहीम सर, उन्होंने किया किरदार, तो वो उनकी जगह अच्छा प्ले किया। लास्टली फिल्म में ऐसी क्या चीज़ थी जो बहुत पसंद आई आपको, ऐसी यानी डायलॉग वाली बोल कुछ ऐसा? मुझे सिनेमाटोग्राफी ज़्यादा पसंद आई, जो कि इस फील्ड पे जो दिखाई है जब प्लेयर्स प्ले कर रहे थे, तो इट वाज रियली लाइक थोड़ा आपको एक्साइटमेंट आता है कि कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं, तो ऐसा फुटबॉल के जो प्लेयर होंगे तो वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। व्हाट अबाउट म्यूजिक, एआर रहमान सर का? या म्यूजिक वाज रियली रियली वेल एक्चुअली, इन द एंड व्हेन आई लिसन दैट म्यूजिक ऑफ एआर रहमान, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, वाओ एआर रहमान ने अपनी आवाज़ दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। लाइक आउट ऑफ 3-4 या थैंक यू सो मच पब्लिक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिल्म आपको कैसी लगी सर? द फिल्म इज़ एब्सोल्युटली आइकॉनिक फिल्म दैट इज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय बोनी कपूर एंड ऑल्सो डायरेक्टेड बाय अमित शर्मा। ये खास करके अमित शर्मा को यादगार रखेंगे लोग ये फिल्म देखने के बाद, जो अमित शर्मा नहीं जानते थे नाम, वो एक हस्ती बन जाएगी ये मूवी देखने के बाद। और खास करके ए आर रहमान का BGM जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में जो BGM आता है बैकग्राउंड, ये इतना अच्छा बनाया कि मूवी को एक चार स्टार्स आ जाते। और खास करके अजय देवगन का परफॉर्मेंस इस मूवी को देखने के बाद ऐसे फील हो रहा है कि अजय देवगन को नेशनल अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। और आपको ये लग रहा है कि बहुत वक्त लगा दिया मूवी ने, और जल्दी आनी चाहिए मूवी थी, बेहतर फिल्म है? यस, मूवी का टाइम लेंथ ज़्यादा है, मतलब 3 hours 1 minute का है, लेकिन जो मूवी को फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा स्लो जाता है, क्योंकि बहुत सारी पूरी मूवी की जो स्टोरी दिखानी है या फिर ऑडियंस को जो पूरा फ्रेमवर्क में बिठाना है स्टोरी के, उसमें थोड़ा सा स्लो डलनेस फर्स्ट हाफ में है, लेकिन सेकेंड हाफ जो लेता है मूवी वो तो मार्वलस और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हर एक जो सीन्स दिखाए, इंट्रोडक्टरी मैच के सीन्स, सेमीफाइनल्स फाइनल्स, ये बहुत शानदार दिखाया। और बड़े थिएटर में देखने ऐसे लग रहा था हमें हम कहीं स्टेडियम में, ऐसे नहीं लग रहा था वी आर इन थिएटर्स, इट वाज फीलिंग कि पब्लिक की सीटी या पब्लिक का जो रेस्पॉन्स था उसमें ऐसे फील हो रहा था वी आर ऑलमोस्ट इन सम वर्ल्ड कप फीफा देख रहे हम लोग। आपने कहा अजय देवगन से तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, बिल्कुल हमें भी वैसे ही लग रहा है। मुझे एक चीज़ जाननी है आपसे, म्यूजिक कितना कमाल का लगा आपको, और सिनेमेटोग्राफी? यस, सिनेमेटोग्राफी तो एक्सीलेंट ही है, क्योंकि जैसे जैसे बॉल के सीन्स जा रहे थे ऐसे ड्रोन शॉट्स लिए हुए, कुछ हाई एंड शॉट्स लिए, वो सिनेमेटोग्राफी को तो मतलब बेहतरीन ढंग से उन्होंने शूट किया। प्लस जो म्यूज़िक है, एक गाना उसमें आता है प्रिया मणि और अजय देवगन के ऊपर, वो तो बहुत ही अच्छा है, स्लो स्टेडी है गाना, लेकिन बहुत बढ़िया है। ऑलरेडी ये चार्टबस्टर में बहुत बार सुनने लायक गाना है। प्लस इसका जो ए आर रहमान का जो फाइनल सेमीफाइनल में जो BGM आ रहा है, उसे हमें सुन के और ज़्यादा मोटिवेट हुए और ये मूवी को और एक बार देखने लायक है। पब्लिक अगर देखना चाहती है इस फिल्म को तो देखे, ना देखे क्या करें? नहीं, ये मस्ट वॉच है, क्योंकि ऐसे मूवी वंस इन अ ब्लू मून बनती है, बॉलीवुड शायद ऐसा मूवी बनाता है, लेकिन ये मूवी को खास करके बढ़ावा देने के लिए, और स्पोर्ट्स जो फुटबॉल है, फुटबॉल आज हर जगह आप देख रहे हैं, IPL क्रिकेट सब चल रहा है, लेकिन फुटबॉल के प्रति लोग ज़्यादा इतना मोटिवेट नहीं करते, बच्चों को बोलते क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल के लिए बोलते नहीं है। तो जो फुटबॉल के प्रति ये मूवी देखने के बाद पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लगेगा कि जैसे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है वैसे फुटबॉल भी इंपॉर्टेंट है, और इस मूवी के बाद तो पब्लिक का जो माइंड टेंडेंसी है टुवर्ड्स फुटबॉल वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और ये मूवी खास करके मोटिवेट ही करती है कि अपने नए नए यंगस्टर्स, नए नए जो बच्चे लोग हैं, खास करके हमारे ये छोटे बच्चे, इनको खास करके फुटबॉल में डाला जाए। रेटिंग क्या है 5 मिनट फिल्म को लेकर? फिल्म को मैं 4.5 दूंगा, लेकिन अजय देवगन के परफॉर्मेंस और अमित शर्मा के डायरेक्शन को 5 out of 5। बच्चे से पूछ सकते हो? यस बाबू, आवड़ला तो तुम्हारा पीछे कैसा आवड़ला? हाँ बोल। हाँ नहीं नहीं, उसको मन नहीं कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगा पिक्चर देख के बेटा? पिक्चर कैसा होता? छान होता ना? थक गई लग रहा है। चलो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर।